एक लड़की रूप बदल कर नागिन बन जाती है और एक मेंढक राजकुमार बन जाता है। ऐसी कहानियां तो हमने बचपन में बहुत सुनी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ है तो हाँ हुआ है। एक पत्नी के सामने उसका पति देखते ही देखते मुर्गा बन गया। जी हाँ, मुर्गा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूं, मैं सच कह रही हूं। बेटा एक बार सोच ले। ये मुर्गा यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ ना सर। पल्लवी जी, सर ये मुर्गा नहीं है, इनका नाम है सूर्य खत्री। क्या नाम शनाप बोल रहे हैं? सर ये मिश्रा जी और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये सूर्य की माँ और उसकी बीवी बोल रहे हैं। वो बैठे हैं सर। बुलाइए इनको। उनके बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, मार्केट से लोन उठाया था मोटे ब्याज पर, वो लौटा नहीं पा रहे थे, तो माँ जी के जोर डालने पर हम आज सुबह पुष्पानंद बाबा के दर्शन के लिए गए। सर मैं और सूर्य ये सब नहीं मानते और हम माँ जी को मना नहीं कर पाए। पुष्पानंद महाराज की जय। बाबा पुष्पानंद की जय। ये लीजिए, ये लो। चलिए आइए। रुकिए, अब यहां से आगे सूर्य ही बाबा के दरबार में जाएगा, आप लोग यहीं इंतजार कीजिए। आइए सूर्य। जाओ बेटा, बाबा सब ठीक करेंगे, जाओ। आइए। हम बाहर इंतजार करने लगे, 15-20 मिनट बीत गए थे। बेटा मैं ना वॉशरूम जाके आती हूँ। जी तुम ये इंतजार करो। माँ जी के जाने के बाद मैं वहां के रही थी। मुझे तो पहले ही मालूम था, एक नंबर का फ्रॉड है तू। फ्रॉड, चिल्लाने की आवाजें आने लगी अंदर से। औरों की तरह मुझे भी चूना लगा देगा तू? देख मेरा फांडा कैसे फोड़ता हूँ मैं। जो लोग तुझे बाहर मानते हैं ना, उनसे पिटवाऊंगा मैं, देख तू। मैं ठोंगी है तो ठोंगी। नहीं, माँ जी ने मना किया था, कहीं कोई अपशगुन हो गया तो। तुझे तेरे अविश्वास की सजा जरूर मिलेगी। एक बाबा पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया और ये सब कुछ हुआ लता की आंखों के सामने, बंद कमरे में। ना तो कमरे में कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। कहते हैं ना, मानो तो चमत्कार, ना मानो तो आंखों का धोखा। क्या लता के साथ ये धोखा हुआ था?
या सचमुच उसका पति वो मुर्गा ही था? यही है वो कमरा सर, वहां सूर्य बैठा था और वहां बाबा पुष्पानंद। जानकी जी, आप लता को घर ले जाइए, हमको जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और आप भी नीचे जाइए, छानबीन करके नीचे मिलते हैं आपको। सर मैंने तो बचपन से सर जादू टोना चमत्कार बहुत देखे हैं सर। आए दिन गांव में चौराहे में सर नींबू मिर्ची कुछ ना कुछ पड़ा रहता था सर। सर मिश्रा जी, ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई और आंखों का धोखा होता है बस। बाबा यहाँ खड़ा था और सूर्या वहां, एक सेकंड में सूर्या गायब और उसकी जगह मुर्गा, और थोड़ी देर बाद बाबा भी गायब। ये कैसे पॉसिबल? ये जो जगह आपने बाबा को दी है आश्रम चलाने के लिए, आश्रम के आड़ में कुछ धंधा हो चल रहा है क्या? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, मतलब ये कि इस सूर्या और सूर्या के परिवार वालों को बाबा का चमत्कार दिखाने के लिए आप ही ले गए थे अंदर? जी मैं ही लेके गया था। क्या है कि सूर्या बहुत परेशान था, तो जानकी जी ने कहा था कि हमारी कुछ मदद कर दीजिए, तो मैं इसीलिए सूर्या को बाबा से मिलवाने ले गया था। अच्छा, ये सूर्या को गायब करके कौन सी मदद कर रहे थे आप? उसका किडनैप कर फैमिली से रैंसम वसूल करने की प्लानिंग थी ना आप लोगों की? हाँ, रैंसम, धंधा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं बाबा का भक्त हूँ और बाबा कोई फ्रॉडी नहीं है, बहुत चमत्कारी है वो। एक साल पहले मुझे लोगों ने बाबा और बाबा के चमत्कार के बारे में बताया, तब मैं वहाँ बाबा के पास अपनी परेशानी लेके गया था। मेरे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ है, बस कमी है तो सिर्फ औलाद की। अगर तुम्हारी बीवी अपने सर के सारे बाल मुझ पर चढ़ा देगी तो ठीक 9 महीने बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। चमत्कार! बाबा पुष्पानंद महाराज की जय। नौ महीने तक मेरी बीवी अपने सर के बाल बाबा को दान स्वरूप में भेंट करती रही और उसके बाद हमें संतान प्राप्ति हुई। अभी भी आपको लगता है कि ये बाबा फ्रॉड है? सर, बाबा का पता चल गया। लाश को देखकर लगता है कि मर्डर 2-3 घंटे पहले ही हुआ होगा। पुष्पालन बाबा, हेलो। हेलो सर, आपने कहा था ना अगर बाबा दिखे तो तुरंत कॉल करूं, वो हमारे घर के सामने खड़े हैं सर। मिश्रा जी, लता का फोन है, वो कह रही कि बाबा उसके घर के बाहर खड़ा है। पर ये कैसे हो सकता है सर, बाबा तो यहाँ। इस खिड़की से देखा था मैंने उन्हें, वो वहां सामने खड़े थे।
आप श्योर हैं कि आपने उन्हें देखा है? हाँ सर, मैं श्योर हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि आपने उन्हें देखा है, जबकि बाबा पुष्पानंद का मर्डर तो ऑलरेडी हो चुका है। मुझे नहीं पता कैसे, पर वो आदमी बाबा ही थे। माँ जी ने भी उन्हें देखा था। एक तरफ बाबा की लाश और दूसरी ओर मैंने और लता ने बाबा को साक्षात यहाँ देखा। अब तो आप मानेंगे कि बाबा साक्षात चमत्कारी है। बेटा, अगर अब भी तुम बाबा के चमत्कार को नहीं मानोगी ना, तो तुम्हारा पति कभी दोबारा मुर्गे से इंसान नहीं बनेगा। आप चलिए, मैं दिखाती हूँ बाबा पुष्पानंद को मैंने कहाँ देखा था। ये बाबा, सूर्या, सूर्या के दोस्त, सूर्या के दुश्मन, सभी की कुंडली निकालो। एक बार पता चल गया कि सूर्या के गायब होने से और बाबा के मर्डर से किसको फायदा हो सकता है, तो फिर ये बाबा के चमत्कार की हकीकत भी सामने आ जाएगी। हेलो, सूर्या। देखा देखा पल्लवी जी, मैंने इसको सूर्या बोला, इसने मेरी तरफ देखा। सूर्या सूर्या, क्या मिश्रा जी, आपको सुबह से मैं ही मिली हूँ क्या? अरे पल्लवी जी, मैंने इसकी तरफ बोला सूर्या, इसने मेरी तरफ देखा। ये शर्मा गया आपसे। जैन सर। जैन सर, क्या रिपोर्ट है पल्लवी जी? सर, ये बाबा का कोई परमानेंट ठिकाना तो नहीं मिला है। जगह जगह भ्रमण करते हैं, जहाँ जिसने जगह दी थी बस वहीं रुक जाते हैं। उनके आश्रम से सर ये संदूक मिला है, इसमें उनका कुछ पर्सनल सामान है और कुछ चिट्ठियाँ हैं, किसी शारदा देवी के नाम पर है। एड्रेस आगरा का है सर। चिट्ठियाँ पढ़कर लगता है शायद ये उनकी माँ की है। आप आगरा जाइए तुरंत, क्या पता ये बाबा का कत्ल और सूर्या का गायब होना इसमें कोई कनेक्शन निकले। यस सर। क्या मिश्रा जी, सूर्या के घर में कोई रैंसम कॉल आई थी? नहीं सर, कोई रैंसम कॉल नहीं आया सर। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि ये लता सही कह रही थी सर, सूर्या का बिजनेस कुछ घाटे में चल रहा था सर। किसी प्रमोद सेठ से 50 लाख का लोन लिया था सर 4-5 महीने पहले, लौटा नहीं पाया, तो सर 4-5 दिन पहले लड़ाई हुई थी सर। मतलब ये प्रमोद सेठ सूर्या को गायब कर सकता है उसे सबक सिखाने के लिए, या फिर सूर्या खुद बाबा की मदद से गायब हो सकता है लोन से बचने के लिए। ये प्रमोद सेठ का पता करो। ओके सर। अविश्वास की सजा मिलकर रहेगी। लता, लता। हाँ माँ जी। लता, ये देख। क्या हुआ माँ जी? मिश्रा जी। सर, ये लाल रंग नहीं, खून है किसी का। कमाल की बात तो ये है सर, एक घर के अंदर घुस के वो इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है सर, और किसी को पता भी नहीं चला। तुम्हारा मतलब है कि कहीं ये काम किसी अंदर वाले का तो नहीं? लेकिन सर, लता के मुताबिक वो अपने कमरे में सो रही थी,
और जानकी जी पूजा पाठ में व्यस्त। जानकी जी आप तो जाग रही थी ना, आपने नहीं देखा ये सब कैसे हुआ? आप लोग कहना क्या चाहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है? ये सब कुछ बाबा की आत्मा ने किया है। वो अब तक हमारे परिवार से नाराज है और तुम अब भी इन सब पे विश्वास नहीं करोगी ना, देखना हमारे परिवार के साथ इससे भी बुरा होगा। ये घर की चाबी किसी और के पास भी हो सकती है क्या? शंभू सूर्य का छोटा भाई है, यहीं पास ही में उसका खुद का घर है, पर वो 4-5 दिनों से मेरठ में है, कुछ काम से गया था। कमाल है ना सर, बड़े भाई को गायब हुए इतना टाइम हो गया और छोटे वाला खबर भी नहीं लेने पहुंचा। शंभू को कांटेक्ट करो, उस तस्वीर पर जो ब्लड लगा है उसका सैंपल लीजिए और उसे लैब भेजिए, और उस तस्वीर पर जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हें भी लीजिए, देखिए कुछ पता चलता है क्या। शारदा देवी कहाँ रहती हैं? जय हिंद सर। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर, सूर्या के घर की दीवार पे जो ब्लड था और जो लता की बॉडी पर ब्लड था दोनों सेम है सर, यानी ए बी पॉजिटिव। सर सूर्या का ब्लड भी ए बी पॉजिटिव है, तो कहीं ये खून सूर्या का तो नहीं है? समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ, पहले सूर्या का मुर्गे में बदलने का ड्रामा, फिर बाबा का मर्डर, फिर उसके बाद लता और जानकी जी का उन्हें जिंदा देखना, फिर ये सूर्या के खून से वाने। वो प्रमोद सेठ का पता चला? सर सुबह से गायब है, लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैन सर। जैन सर मैं आगरा गई थी ये बाबा पुष्पानंद की माँ से मिलने, उनसे मिलकर मुझे पता चला है कि इसका असली नाम राजू यादव है। राजू के पिता तो बचपन में ही गुजर गयो, पढ़ाई में बहुत कमजोर थो जो, 16 साल की उम्र में ही घर से भाग गयो। सर ये प्रमोद का फोन ट्रैक किया था सर, लोकेशन का पता चल गया, लेकिन हैरानी की बात ये है सर कि ये सूर्या का भाई शंभू, दोनों की लोकेशन सेम है सर। अच्छा तो फिर हम खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चलो। लोकेशन यही आसपास का एरिया दिखा रहा है। एक काम कीजिए मिश्रा जी, पल्लवी आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। यस सर। Hey!
पल्लवी पकड़ो इसे। अच्छा तो तुम हो शंभु खत्री, सूर्य के छोटे भाई। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ सूर्य कहाँ है? सर मैं भी यही जानना चाहता हूँ। सर मैं मेरठ में था, कल रात ही माँ का फोन आया तब मैं आया हूँ यहाँ पे। और सर ये बाबा ये सब बकवास है सर। ये प्रमोद सेठ ने ही मेरे भाई को किडनैप किया है लोन ना देने के चक्कर में, इसलिए मैंने इसको उठा लिया ताकि मेरे भाई का पता चल जाए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सर मैं सूर्या को किडनैप क्यों करने लगा? उसे गायब करके मुझे क्या मिल जाएगा? मैं तो कहता हूं वो खुद गायब हुआ है ताकि मेरे पैसे ना देने पड़े उसको। सीधे सीधे बता सूर्या कहाँ है? सर मेरा भाई कोई डरपोक या चोर नहीं था सर, और सर नहीं वो आज तक किसी का पैसा लेके भागा। सर आप चाहे तो मार्केट में जाके हमारी रेपुटेशन चेक कर सकते हैं। सर शंभू दिखावा कर रहा है, लोग समझते हैं कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्या शंभू को कीड़ी की तरह ट्रीट करता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं 2-3 बार पिछले सप्ताह उनके घर पैसे लेने गया था, मैंने वहां देखा। शंभू जी, जी भैया बहुत बिजी है। नहीं भैया। चल जूते साफ कर। ओके भैया। इधर 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 इधर। जी भैया। अपनी नाक से साफ कर। ये तो हो गई आपकी कहानी, अब असलियत बताइए। सर ये प्रमोद सेठ ना ये झूठ बोलता है, मेरे दोनों बेटों में बहुत प्रेम है, एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और मेरा सूर्या उसने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया सर। मैडम ये आप अपने सूर्या को अभी नहीं ले जा सकती। प्रमोद और शंभू मुझे तो ये दोनों के दोनों गड़बड़ लगते हैं। पता करो जब ये सूर्या गायब हुआ था तो बाबा का मर्डर हुआ था तब ये दोनों कहाँ थे? यस सर। जिस पर तू विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। बाबा पुष्पानंद जहां है वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मरे हुए को कौन मार सकता है भला? जो है वो नजर नहीं आता।
और जो नहीं है वो होने का एहसास दिलाता है। इंस्पेक्टर मदन को भी बाबा की आत्मा दिखाई दी, 6 गोलियां भी चलाई मगर एक भी नहीं लगी। क्या वो सच में बाबा की आत्मा थी या फिर इंस्पेक्टर मदन का दिमाग उन्हें ट्रिक कर रहा था? बेटा, मेरी तांत्रिक बाबा से बात हुई है, वो बाबा पुष्पानंद की आत्मा से हमारी बात करा सकते हैं। चाय पियो, लो। यदि तुम सूर्या को मनुष्य रूप में चाहते हो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय संपूर्ण परिवार संग करना होगा, अन्यथा अविश्वास की सजा सबको मिलेगी। सर, आप सुबह सुबह सर आप सुबह सुबह इतनी जल्दी? कल रात घर ही नहीं जा सका। वो क्या है ना, कल घर जाते वक्त बाबा के भूत के दर्शन हो गए। सच कह रहा हूं मैं, उन्हें रोकने के लिए मैंने कई गोलियां चलाई और उन्हें एक भी नहीं लगी। मतलब सर वो बाबा का भूत सच में है? मैं सही बोल रहा था ना सर। सर अगर बाबा का भूत है सर, चमत्कार तो हुआ ना सर। हाँ सर, इसका मतलब वो सूर्या से मुर्गा वो भी सच। सर एक मिनट, मैं सर सूर्या भाई से मिल के आता हूँ सर। दो मिनट। सर ये सूर्या की फैमिली ने अर्जी दी है ये मुर्गी की कस्टडी के लिए, क्या करना है सर? तो दे दीजिए, उनका बेटा। ओके सर। पर सर क्या आपको भी लगता है कि ये मुर्गा सूर्या ही है? मैंने ऐसा कहा है क्या? हाँ सर, वही आप कब से ये चमत्कार अंधविश्वास पर विश्वास करने लग गए? ये क्रिमिनल बहुत शातिर है, हर शाना क्रिमिनल डेढ़शाना बनने की कोशिश में गलती कर बैठता है और इसने भी यही गलती की। मतलब सर अब वक्त आ गया है इस खेल से पर्दा उठाने का। माँ जी, इस संदेश में तो इसी कमरे का जिक्र है जहाँ उपाय करना है। ठीक है, चलो। जानकी जी, अरे हम कब से आप लोगों का यहाँ वेट कर रहे हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें ये उपाय करने दीजिए, वरना हमारा बच्चा कभी मुर्गे से इंसान नहीं बन पाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि सूर्या वापस लौटा। यादव जी। जी सर। सूर्या और मुर्गे को कस्टडी में लीजिए। आप लोगों ने हमें इतनी कहानियां सुनाई,
हमें लगा हम भी एक कहानी सुनाए आपको। एक चमत्कारी बाबा थे जो गांव गांव भ्रमण करते अपना चमत्कार दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से किसी को बच्चा हो जाता है, किसी बच्चे की जान बच जाती है, और हर चमत्कार के पहले आसमान से फूलों की वर्षा होती थी। और एक बात कॉमन थी इन सब चमत्कारों में, हर चमत्कार के पहले बाबा अपने भक्तजनों को एक स्पेशल प्रसाद खिलाते। उस प्रसाद की हमने लैब टेस्ट करवाई तो पता चला कि इसमें एक स्ट्रांग नशे की दवाई मिलाई हुई है, जिसे सामने वाला अगर कहे कि आसमान से तारे गिर रहे हैं तो आपको सच में लगेगा कि आसमान से तारे गिर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये आपके मन को सामने वाले के वश में ले आती है और वो जो कहता है वही सच नजर आने लगता है। शादी के 20 सालों बाद मेरी पत्नी का प्रेग्नेंट होना और बच्चा, आखिर ये सब? हमने आपकी पत्नी से बात की थी, उन्हें डीएनए टेस्ट की धमकी दी तो उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। एक्चुअली बाबा ने नशे की हालत में उनके साथ संबंध बनाए, उन्हें इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, पर फैमिली और समाज के डर से वो चुप रहे, इसीलिए उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया। बाबा अगर ढूंगी थे तो वो सब क्या था? लता ने खुद पलक झपकते ही सूर्या को इंसान से मुर्गा बनते हुए देखा, वो सब क्या था? जानके जी, वहाँ पर ये धोखा सिर्फ बाबा नहीं दे रहे थे, कोई और भी बाबा की आड़ में अपना खेल खेल रहा था। बिल्कुल सही, जब आप सूर्या के साथ बाबा के पास आई उनके आश्रम में, तब बाबा की जगह एक बहरूपिया ने ले ली थी। उस बहरूपिया ने पहले सूर्या को गायब किया और उसके जगह मुर्गा रख दिया, तो उसके बाद खुद भी गायब हो गया। उसके बाद उसने बाबा का मर्डर कर दिया, फिर बाबा का भूत बनकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। कभी वो आपके घर के बाहर आपको दिख जाता, कभी मुझे घर जाते वक्त। दरअसल उसे ये प्रूव करना था इस केस में सचमुच चमत्कार हो रहा है। सर सर सर, आपने उस पर 6 गोली चलाई थी सर, अगर वो इंसान था भूत नहीं था तो सर 1 गोली तो लगनी चाहिए थी ना सर? क्योंकि उस बहरूपे ने पहले से ही मेरे रिवॉल्वर में नकली बुलेट डाल दी थी, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि उसने रिवॉल्वर से तो अपने फिंगरप्रिंट हटा दिए पर बुलेट से हटाना भूल गया। तो शंभु, सच कह रहा ना मैं? हाँ, पल्लवी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए तो आपके मंगेतर प्रिया ने सब कुछ बक दिया। मैं सब बताती हूँ। शंभू 4 दिन से मेरे ही घर छिपकर रह रहा था, और मैं उसका मोबाइल लेकर मेरठ चली गई थी ताकि अगर उसका कोई मोबाइल ट्रेस करे तो लोकेशन मेरठ की है। इसके बाद मैं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानती मैडम। पर उस पूरे खेल में तुम अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो तुम्हारा साथ दे रहा था। वो क्या है ना, मैंने पल्लवी जी को इस शहर के सारे कसाईखानों में भेजा, और एक कसाई की दुकान से हमें पता चला कि कांड के 1 दिन पहले लता ने एक जिंदा मुर्गा खरीदा है। और जब कोई वेजिटेरियन इंसान किसी कसाई की दुकान पर जाता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड होता है, और इसीलिए वो कसाई ने आपकी शक्ल पहचान ली। शंभू और लता? नहीं माँ जी, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लता और शंभू के बीच कुछ गलत नहीं है, बल्कि शंभू तो अपनी फियांसे से बहुत प्यार करता है। जानकी जी, यहाँ कहानी कुछ और ही है। अब तुम दोनों कुछ बोलोगे सब कुछ मैं ही बोलूं। मेरा भाई दुनिया के सामने बहुत अच्छा इंसान था, और माँ की नजरों में उनका दुलारा बेटा
लेकिन बंद दरवाजे के पीछे वो क्या थे ये कोई नहीं जानता। उस दिन जब प्रमोद सेठ ने आपसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। मेरा भाई मेरे साथ जानवरों से भी ज्यादा गंदा सलूक करता था। उनको मुझे नीचा दिखाने में क्या मजा आता था मैं आज तक नहीं समझ पाया, और मैं कभी कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं अपने खर्चे के लिए उन पर डिपेंड था। उनसे बचने के लिए मैंने मार्केट से लोन उठाया। ये बात मेरे भैया को पता चल गई तो उन्होंने मेरा सारा माल जला दिया और मैं कर्जे में आ गया। कर्जे वालों को अगर मैं पैसा नहीं देता तो मुझे जान से मार देते। उनसे बचने के लिए मैंने भैया से मदद मांगी। मदद करने के लिए तैयार तो हो गए लेकिन उन्होंने बदले में कुछ ऐसा करने को कहा कि मैं वो सिर्फ शंभू के साथ नहीं मेरे साथ भी गंदा बर्ताव करते थे। ये देखा जा रहा है? नहीं वो नहीं। देखो देखो चलने में दिक्कत है ना, चलो उस पर चलो, चप्पल उतार के ये सब बंद कमरे में होता रहा तो किसी को पता ही नहीं चला। वो नपुंसक थे, हीन भावना से भरे हुए थे। मुझे और शंभू को टॉर्चर करने में उन्हें मर्दानगी महसूस होती थी। शंभू को पैसों की जरूरत थी और उसकी मदद करने के बदले उन्होंने एक ऐसी मांग रखी। जी आपने बुलाया, बैठो। काफी थकी भी दिख रही हो, ये लो जूस पियो, पी लो फ्रेश हो जाओगी। हाँ मैं आराम करती हूँ। आ गए मजे भैया, आज आपने मूड बना दिया। मूड तो मैं तेरा आप बनाता हूँ, आजा भैया। आज तुमने मूड बना दिया। मूड बनाता हूँ तेरा भैया। ये तो भाभी मुझे ना वंश चाहिए भैया। ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहा हूँ मैं? समझ में नहीं आया तेरे? हैं? चल चल उस हादसे के बाद मुझे खुद से घिन होने लगी तो मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की लेकिन भाभी ने मुझे बचा लिया। शंभू ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। नहीं भाभी, मैं अब इस जिल्लत के साथ और नहीं जी सकता। कैसे आगे मिलाऊंगा आपसे? सुनो मेरी बात और नीचे उतरो। जितना मैं कह रही हूँ वो करो। असली दोषी तो सूर्य है। मैंने माँ जी से पुष्पानंद बाबा की बहुत कहानियां सुनी थी, वहीं से ये आइडिया आया कि
बाबा के चमत्कार की आड़ में हम सूर्य के अत्याचारों से छुटकारा पा सके। पहले हमने बाबा को किडनैप किया, फिर बाबा पुष्पानंद की जगह मैंने ले ली। माँ जी को किडनी की प्रॉब्लम है, हमें पता था उन्हें बाथरूम जाना पड़ेगा। जैसे ही वो वहां से गई, हम बाबा पुष्पानंद को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये गोडाउन से भाग निकले। और गलती से हाथापाई में इनकी मौत हो गई। पुलिस और सबको यकीन हो जाए कि जो हो रहा है वो बाबा का चमत्कार है, इसलिए शंभू बाबा का भूत बन के घूमने लगा। और उस दिन जो घर पे हुआ वो मैंने किया था, वो कोई चमत्कार नहीं था। हमने जो किया वो गलत था, और हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था सूर्य को सजा देने का, उनके अत्याचारों से छुटकारा पाने का। ये सूर्या कहाँ है? हाँ? क्या क्या तुम लोगों ने उसके साथ? शंभू, लता, माना कि सूर्या ने आपके साथ जो किया वो गलत किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी जान ले लोगे। ले जाइए ना। इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है इंसानियत। किसी रोते हुए को हंसाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लाना, ऐसे चमत्कारों से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए ऐसे चमत्कारों को जिंदा रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।